हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभ्रप्रिया। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी हॉन्टेड डॉल्स की रियल फैक्ट्स की इस सीरीज में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक भयानक जापान की गुड़िया के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक मिस्टीरियस डॉल जिसने अभी तक जापान में एक रहस्य बना के रखा है। आखिर ये डॉल इतना रहस्यमयी क्यों है और क्यों आज भी दूर दूर से इस डॉल को लोग देखने के लिए आते हैं? ये डॉल जिसका नाम ओकीकू है, इस डॉल के रहस्य का राज क्या है? ओकीकू डॉल जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह क्यों कांप उठती है? आखिर ये ओकीकू डॉल कौन है और ये इतनी भयानक क्यों है जिसका खौफ पूरे जापान में है? दोस्तों, इस डॉल की सबसे रहस्यमयी चीज है वो है इसकी बाल जो अभी भी बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ठीक किसी इंसान की तरह यह एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी है। किसी डॉल का बाल कैसे बढ़ सकता है, वो भी एक जीवित प्राणी के जैसा? वाकई में यह एक बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना किसी लिविंग थिंग की चीज है, यानी वह चीज जो जिंदा है केवल उन्हीं के बाल बढ़ते हैं और नाखून बढ़ते हैं। लेकिन एक डॉल जो कि एक नॉन लिविंग थिंग यानी जो जिंदा नहीं है, उसके कैसे बाल बढ़ सकते हैं? इसी रहस्य के पीछे की एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर कौन है ये ओकीकू डॉल। तो चलिए दोस्तों, एक भयानक जापान की गुड़िया की कहानी शुरू करते हैं। ये बात सन 1918 की है। एक सुजुकी नाम का लड़का था जो लगभग 17 साल का था। एक दिन वो एक मेले में गया और मेले में जाकर उसने एक डॉल देखी। वो डॉल देखते ही उसने खरीद ली। उसने अपनी छोटी बहन जो कि करीब 2 साल की थी उसे जाकर दे दी और उस डॉल का नाम ओकीकू रख दिया। वह डॉल उसकी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो लड़की उस डॉल के साथ हमेशा खेलने लगी, हमेशा सोती थी, रहती थी। उस डॉल के साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। एक साल बाद जब वो लड़की करीब 3 साल की हुई तो उसे एक बीमारी लग गई। उसे जोरों से बुखार आने लगा। उसी कारण अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। जापान की प्रथा के अनुसार जब कोई भी मरता है तो उससे जुड़ी हुई चीज उसके साथ दफना दी जाती है और इसी के अनुसार इस डॉल को भी उसके साथ दफना दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण कुछ भी हो, इस डॉल को इसी के कमरे में रख दिया गया। एक साल बाद जब उस लड़की की माँ ने उसके कमरे को खोला और उसकी डॉल को उसके मेज पर जब पड़ी हुई देखी, उस डॉल को देखते ही वह हैरान रह गई। आखिर क्यों वो हैरान रह गई? क्योंकि जब वो डॉल खरीद के आई थी उसके बाल उसकी केवल कंधों तक थे और वह बढ़ के उसके कमर तक आ चुके थे। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हुई। उसने अपने पति को भी बुलाया और अपनी बेटी को भी बुलाया, वही पूरी बात बताई। उनके परिवार ने यह मान लिया था कि इस डॉल के अंदर उनकी बेटी की आत्मा आ चुकी है और इसी में बसेरा करती है। इसी को देखते हुए उन लोगों ने उस डॉल की किसी इंसान की तरह पालन पोषण शुरू कर दिया। वो हमेशा उस डॉल का ख्याल रखते थे और समय समय पर उसके बाल की कटिंग भी करते थे और जैसे ही उसके बाल कमर तक आते वैसे ही उसको काट के उसे वापस ठीक कर देते थे। कुछ सालों बाद उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया, लेकिन वह इस बार इस डॉल को अपने साथ लेकर नहीं गए बल्कि उन्होंने एक मंदिर में इसे सौंप दिया।
उन्होंने इस डॉल को दिखाते हुए मंदिर के पुजारियों को पूरी बात बताई। पुजारियों ने भी जब देखा कि इस डॉल के सच में बाल बढ़ रहे हैं तो उन्होंने इस डॉल को रख लिया। आज भी यह डॉल ईवा मिज़ाबा नामक एक मंदिर में पाई जाती है, जहां इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आज भी पुजारी इसका बाल काट के इसे वापस वैसे ही कर देते हैं।